नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं AKS राजवीर, यानी अंकित कुमार साहू राजवीर, आपका अनअकैडमी और YouTube एजुकेटर। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक बेहतरीन पोयम, और ये है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। दोस्तों पिछली क्लास में, यानी कि जो पिछली आपकी क्लास आई थी दो दिन पहले, तो उसमें मैंने दोस्तों सैमुअल टेलर कॉलरिज और उन पर बनने वाले सभी टाइप के क्वेश्चंस, यानी इनकी इन स्लाइड्स के साथ मैंने आपके साथ डील किया था। अब दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये पोयम इन डिटेल कवर करूंगा, यानी कि इसकी समरी के साथ, इंटरप्रिटेशन के साथ मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। दोस्तों अगर हम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की बात करें, तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी। ये लिरिकल बैलेड दोस्तों क्या था, तो ये एक जॉइंट कंपोजिशन था विलियम वर्ड्सवर्थ का और सैमुअल टेलर कॉलरिज का। दोस्तों जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ये पोयम है, तो ये दोस्तों पोयम है कंप्लीटली सेवन पार्ट्स में है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है वो सेवन पार्ट्स में है, और साथ में दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो पोयम है तो पहली बार 1798 के लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी। LYRICAL, लिरिकल एंड देन बैलेड में पब्लिश हुई थी। और दोस्तों ये जो पोयम थी उस लिरिकल बैलेड की काफी इंपॉर्टेंट पोयम्स में से रही है, क्योंकि पहला जो लिरिकल बैलेड का एडिशन आया था उसमें 19 पोयम वर्ड्सवर्थ की थी, और साथ में दोस्तों जो 4 पोयम्स थी वो थी सैमुअल टेलर कॉलरिज की, यानी कि ST कॉलरिज की। दोस्तों कुल मिलाकर के अगर हम इन पोयम्स को देखें, तो पहला जो एडिशन था उसमें 23 पोयम्स थी इन कंप्लीट फॉर्मेट में। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 23 पोयम्स थी, अब चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं इस पोयम को, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एक ऐसी पोयम है जहां पर दोस्तों आपको काफी बिटर तरीके की, जो एक सुपर नेचुरल एलिमेंट के टच के साथ, क्योंकि ऑलवेज सैमुअल टेलर कॉलरिज ने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की ऑलवेज बात की है। और दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो जस्ट जो मैरिनर है सो वो बताता है कि ये कहानी जिसको बताता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, तो दोस्तों जो ये मैरिनर है तो कंप्लीटली ये मैरिनर है, और यहां पर ये बैठा हुआ है दोस्तों, ये इसको दोस्तों तीन लोग मिलते हैं, तीन लोग जो रास्ते से गुजर रहे हैं, और ये लोग जा रहे हैं कहां पर, सो ये लोग जा रहे हैं दोस्तों एक मैरिज में जा रहे हैं, लेकिन इनमें से एक को ये जो मैरिनर है वो रोक लेता है और उसको अपनी कहानी बताना शुरू करता है। दोस्तों वो बताता है कि मुझे शादी में जाना है, मुझे लेट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता, बल्कि उसको अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। ओके? और दोस्तों जब उनको बताना शुरू करता है, कहता है कि जब मैं जवान था, यानी कि मैं यंग था, तो एक दिन शुरू किया मैंने क्या कि मैं एक हमने सेलिंग की थी, और उस सेलिंग में दोस्तों मुझको लेकर के 200 और मैरिनर थे मेरे साथ, मैं था और मेरे साथ 200 और मैरिनर्स थे, और दोस्तों हमने नेटिव लैंड से, वो बताता है कि हमने नेटिव लैंड से शुरू किया था अपनी इस यात्रा को, और दोस्तों बता रहा है कि उस दिन जो मौसम था वो काफी अच्छा था, एकदम क्लियर था, काफी गुड वेदर था, लेकिन वो बताता है कि होता कुछ ये है कि जब हम लोग इक्वेटर पहुंचते हैं, इक्वेटर ये जो हमारी सेलिंग थी, तो जैसे ही दोस्तों कहता है कि हमारी सेलिंग जो इक्वेटर तक पहुंची, और इक्वेटर में होता क्या है कि कहता है कि वहां पर एक बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है, और ये जो दोस्तों तूफान आता है, इस तूफान के बारे में वो बताता है कि ये जैसे ही ये तूफान आता है हम लोग एक आइसी पैच ओशन में पहुंच जाते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल में पहुंच जाते हैं। अब जब देखिए आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि अगर ये जो सेलिंग है तो ये बिल्कुल सी में हो रही है। अब दोस्तों जो सी है तो आपको बताइए कि सी हमेशा ही कैसा होता है, साल्टी होता है इन टेस्ट, ये बात तो बिल्कुल आप अच्छे से समझते होंगे।
दोस्तों वहां पर ये वेट कर रहे होते हैं कि विंड बदले, जो स्टॉर्म है वो चेंज हो, थोड़ा सा मौसम साफ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन दोस्तों एक अल्बैट्रस, एक ये जो बर्ड है अल्बैट्रस एक बर्ड है वो आती है। दोस्तों अल्बैट्रस को आपको याद रखना चाहिए, एक अल्बैट्रस आती है और दोस्तों इसके आते ही जो मिस्ट है यानी कि जो फॉग था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब दोस्तों जब ये आई तो इनको लगा कि ऐसे लगा कि जैसे कोई आशीर्वाद आ गया हो हमारे लिए, कोई बून आ गया हो। और सभी सेलर्स जो इसमें 200-200 जो इसमें सेलर्स थे अदर, वो सभी खुश हुए। और दोस्तों जब मौसम क्लियर हुआ, शनि हुआ वेदर, तो फिर दोस्तों इनकी जो ये नाव थी ये लेकर के चलने लगी। साथ में दोस्तों जो अल्बैट्रस था ये भी इन्हीं के साथ चलने लगा। दोस्तों काफी दूर तक गए, लेकिन सडनली एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सडनली देखिए बिना कुछ सोचे जो ये मैरिनर जो कहानी बता रहा है इससे, इस लड़के से जो जा रहा था इससे जो वो कहानी बता रहा, तो बताता है कि सडनली ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इस अल्बैट्रस को मार दिया। और जैसे ही दोस्तों इसने अल्बैट्रस को मार दिया, क्योंकि अल्बैट्रस रोज इनके शिप पे आता था, इनका सिर्फ बाहर की तरफ चल रहा था तो वो पीछे पीछे चल रहा था, और दोस्तों अनएक्सपेक्टेडली इसने मार दिया उसको। और जो ही दोस्तों इसने मारा तो इसके बाद जो वेदर था वो बिल्कुल खराब हो गया। अब जो दोस्तों सभी लोग थे वहां पर, तो बिल्कुल अगर वेदर खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, सो वेदर की खराब होने की वजह से जो सभी इसमें, इस वाली नाव में जो सभी लोग थे, तो ये सब ब्लेम करने लगे इस मैरिनर को कि तुमने ऐसा किया है, इसी वजह से दोस्तों तुम्हारे लिए मतलब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है वहां पर कि अब वहां पर एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो सन है, जो सन रेज थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा धूप हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एवरी ड्रॉप टू ड्रिंक, ऐसे करके दोस्तों लाइन्स आती है इसमें। लास्ट में भी मैं इंपॉर्टेंट लाइन्स भी इवन आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन्स है इसकी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की। अब दोस्तों जब सभी लोग, बहुत तेज धूप हो जाती है, इवन कि उनके जो लिप्स एंड ऑल हैं वो बिल्कुल काले पड़ जाते हैं और सभी लोग बिल्कुल परेशान हैं, और इसको कहते हैं कि तुमने ये सारी गलती की है। और दोस्तों इसी बीच में जब ये सारी सिचुएशन हो जाती है, सब लोग एक दूसरे को इसी की तरफ देखते हैं, स्कॉर्नफुली देखते हैं, तो उसी टाइम पर दोस्तों ये जो एक जो है शिप दोस्तों वहां से गुजरता है, और ये जो अल्बैट्रस को जिसको इसने मार दिया था, तो वो दोस्तों इसके गले में मरे हुए अल्बैट्रस को ये लोग टांग देते हैं कि लो, ताकि ये पता चले कि तुमने सिन किया है। अब दोस्तों वहां पर एक शिप दिखता है उनको, और ये जो दोस्तों शिप है ये बहुत डिफरेंट टाइप का है, स्केल्टोनिक शिप है, और इसमें जो दोस्तों एक लेडी है, जो एक लेडी है, एक फीमेल है जो टोटली नेक्ड होती है, और दोस्तों वो जाती है धीरे धीरे इनकी शिप और इनके सामने से गुजर जाती है, और जब वो सन के पास पहुंचती तो थोड़ा सा सन को क्या करती है कि कवर कर लेती है दोस्तों ये। अब यहां पर जो मैरिनर है दोस्तों, कुल मिलाकर के इसको क्रॉस, वो जो ये एक क्रॉस पहने रहता है, इसको इसके क्रॉस को उतार करके इस अल्बैट्रस को इसके गले में टांग दिया था। अब दोस्तों ये एक कंप्लीट सिचुएशन होती है, और जो दोस्तों मैंने स्केल्टोनिक शिप बताया, वो जो शिप आता है तो दोस्तों वहां पर एक बड़ी डिफरेंट कंडीशन होती है, वो डाइस पर एक गेम खेल रहे होते हैं कि कौन कौन मतलब किसकी जान कौन ले, क्योंकि ये कहते हैं कि जो शिप था ये डेथ का शिप था। किसका शिप था दोस्तों? डेथ का। अब दोस्तों यहां पर एक सिचुएशन और आती है कि जैसे ही दोस्तों वो जो डेड सेलर्स वाला जो शिप था वो निकलता है, सन को कवर कर लेता है, और सभी जो दोस्तों इनके साथ 200 मैरिनर्स थे उनकी सबकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों इसी टाइम में ये जो सेलर रहती है, जो रहता है कुल मिलाकर के ये जो मैरिनर, तो इसकी भी नींद लग जाती है, और जब ये दोस्तों हॉन्टेड होता है, ये जो 200 थे ये सब लोग इसकी तरफ स्कॉर्नफुली देखते हैं कि तुम्हारी वजह से, तुमने सारी सिचुएशन क्रिएट किया है, तभी अल्बैट्रस को तुमने मारा और ये सिचुएशन तुमने कंप्लीटली क्रिएट किया। अब दोस्तों यहां पर एक और सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है कि अब वो चाहता है कि वो घर वापस लौटे, लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर के बचता तो सिर्फ यही है, बाकी सबकी डेथ हो जाती है। अल्बैट्रस जो दोस्तों उसके गले में लटका दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हेट करते हैं उससे कि इसने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन दोस्तों आप अचानक जो है उसकी नींद खुलती है, जो मैरिनर रहता है उसकी अचानक से नींद खुल जाती है, और वो रियलाइज करता है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं
वो मेरे गलत करने की वजह से हुई है क्योंकि मैंने मारा है। और यहां पर दोस्तों एक डिफरेंट टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है, वो ब्यूटी को देखने के लिए, वाटर एंड ऑल को देखने के लिए थोड़ा सा अपने सिप से नीचे साइड को झांक करके देखने लगता है, तो जो अल्बेट्रस उसके गले में होता है वो गिर जाता है। दोस्तों थोड़ा सा बारिश होती है, वो इवन की वहां पर वाटर, यानी कि थोड़ा सा, क्योंकि वाटर से बहुत ज्यादा उसे प्यास लगी थी, थर्स्टी था, तो कंप्लीटली वो पी भी लेता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और सिचुएशन मैं आपको बताना भूल गया था कि जब सभी जो मैरिनर्स थे उसके साथ ही वो प्यास की वजह से मर रहे थे, तो दोस्तों इस मैरिनर ने क्या किया था कि इसने अपनी आर्म्स में ही खुद के काट लिया था, आर्म्स में, और काटने के बाद उसने अपना ब्लड सक कर लिया था ताकि वो बच जाए और जिंदा रह सके। और दोस्तों इस तरीके से वो जा करके सबको ये कहानी बता सके कि कैसी एक डिफरेंट सिचुएशन उनके सामने क्रिएट हुई थी, और इस डिफरेंट सिचुएशन की वजह से दोस्तों उसको एक बहुत बड़ा लेशन मिला। और दोस्तों ये जो लेशन मिला तो उसने कंप्लीटली इसको बताया, जो ये लड़का शादी में जा रहा था, इस गाय को उसने कंप्लीटली ये कहानी बताई कि देखो जो सभी ऑल क्रिएचर्स हैं, सभी क्रिएचर्स का गॉड ने सबको कंप्लीटली अपने, मतलब एक अपनी तरीके से बनाया, और सभी गॉड के बहुत क्लोज हैं, हर एक क्रिएचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें बताता है एंशिएंट मैरिनर किसको, उस गाय को जो जा रहा था वेडिंग में। तो दोस्तों इस तरीके से वो लाइफ का एक पर्पज समझने की कोशिश करता है वो लड़का जो शादी में जा रहा था। तो दोस्तों ये जो पोयम है 7 पार्ट्स में कंप्लीटली ये पोयम है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, जो सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये है वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, क्योंकि दोस्तों वो जो वाटर था बहुत साल्टी था। ओके okay, और दोस्तों लास्ट में देखिए, ही प्रेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट, ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल फॉर द डियर गॉड हु लव्ड अस He made and loved her. तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखिए, दुनिया की किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों जो वेडिंग गेस्ट था वो, उसको उसने कंप्लीट अपनी ये कहानी सुनाई एंशिएंट मैरिनर ने, क्योंकि दोस्तों उसको ये कर्ज था। तो दोस्तों आपने आज की क्लास में मेरे साथ देखा कि कैसे ये पोयम एक बेहतरीन पोयम है, जो नेचुरल और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का एक बेहतरीन ब्लेंडिंग है, क्योंकि मैरिनर्स जो रहते हैं वो प्रेज भी करते हैं, बाद में वो प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, तो कुछ इस तरीके की ये दोस्तों पोयम है। सो इन शॉर्ट अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं इन शॉर्ट की, ये जो पोयम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो साउथ पोल के नियर दोस्तों वहां पर अल्बेट्रस को मार देने की वजह से ये जो सारे लोग थे तो ये प्रॉब्लम में फंस गए थे, और बाद में दोस्तों सभी लोग मर भी गए। जो डेड अल्बेट्रस था उसको गले में टांग दिया गया था उस मैरिनर के जिसने उसको मारा था। और दोस्तों लास्ट में अगर आप देखें तो एक स्केल्टन वाला शिप भी इनको मिलता है, और बाद में दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो क्रू है सो सभी क्रू डेथ, सबकी डेथ हो जाती है, ओनली ये जो मैरिनर रहता है मेन तो वो बचता है। और दोस्तों इस तरीके से वो लैंड टू लैंड जाकर के वैल्यू, अब सबको एक वैल्यू बताता है कि गॉड का जो लव है, रिलेवेंस है, क्रिएचर्स हैं, उनकी क्या वैल्यू है, तो इस बात का दोस्तों सारी दुनिया में सबको वो बताता है। तो इस तरीके से दोस्त देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मेडिटेशन और ओरिजिनल सिन जैसी बातें जो जीसस के ऊपर दोस्तों लागू होती हैं, क्रूसिफिकेशन, फॉल ऑफ मैन एंड ऑल टाइप की बातें एकदम एग्जैक्टली आपको देखने को मिलती हैं इस पोयम में, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आप मेरे अनअकैडमी पर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जो यूजीसी नेट के लिए कंप्लीट कोर्सेज चलते हैं। मेरा रेफरल कोड AKS राजवीर यूज कीजिएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन लीजिए दोस्तों, और कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए UGC नेट की। सो थैंक यू सो मच और गुड नाइट दोस्तों, फिर से मिलूंगा आपसे, फिर से मुलाकात होती रहेगी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।